नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें कि छपरा में एक फिर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पे जहरीली शराब पीने के कारण भतीजे और चाचा की मौत हो गई है। जी हां, आपने सही सुना, ऐसे दिन कुछ दिन पहले ही है जो जहरीली शराब पीने से सारण में 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, जिसको लेकर सड़क से सदन तक बहुत ही ज्यादा हंगामा हुआ था। लगातार पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हो रहे थे। आपको ये खबर विस्तार से बताती हूँ। छपरा के तरई थाना क्षेत्र के शहनवाजपुर में जहरीली शराब पीने से पहले तो भतीजे की जान गई, तो दूसरे दिन ही चाचा मनोज शाह की भी जान उन्होंने अपनी गवा बैठी। हालांकि एक साथ 6 लोगों ने नए साल में शराब से पिकनिक मनाए थे, जिसके बाद एकाएक सभी का तबियत बिगड़ने लगा और एक के बाद एक की जान चली गई। आपको बता दें कि मौत के बाद पुलिस प्रशासन के भी कान खड़े हो गए हैं और माइकिंग कर लोगों को वो है जो बता रहे हैं कि जहरीली शराब का सेवन ना करें। इससे लोगों को वो अपील भी कर रहे हैं और मना कर रहे हैं कि ये गंदी चीज़ है, इसका आप लोग है जो सेवन ना करें। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि जब भी जहरीली शराब से लोगों की मौत होती है, तभी है जो पुलिस प्रशासन की नींद क्यों खुलती है और जांच करना भी वो तभी शुरू करते हैं जब लोगों की मौत होती है। वहीं लोगों का कहना है कि क्षेत्र में शराब की बिक्री धड़ल्ले से चल रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन लीपापोती करके छोड़ देती है और मौत के बाद पुलिस प्रशासन ने परिजनों को डरा धमका कर जहरीली शराब से मौत ना होने की दबाव भी उन पे है जो वो बना रहे थे, जिससे पीड़ित परिवार भी इस मामले में कुछ भी कहने से तैयार नहीं थे। लेकिन क्षेत्र में जहरीली शराब की चर्चा जोरों से है। आपको बता दें कि जहरीली शराब पीने से आए दिन लोगों के जो मौत के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी हाल में ही है जो सारण में जहरीली शराब पीने से 70 से अधिक लोगों की मौत हुई थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये तक कह दिया था कि जो भी इस गंदी चीज़ का सेवन करते हैं, जो भी शराब पीते हैं, उनको मुआवजा नहीं दिया जाएगा। लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो शराब पीने से नहीं थम रहे हैं, इसको लेकर है जो प्रशासन भी सख्त है। लेकिन इस छपरा में जो 2 लोगों की फिर से मौत हुई है जहरीली शराब पीने से, चाचा और भतीजे की, इसको लेकर लोगों का ये कहना है कि पुलिस प्रशासन लीपापोती कर रही है इस केस पर। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ के जो लोग हैं, उस इलाके के जो लोग हैं, वो ये बोल रहे हैं कि उनके परिजनों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि ये उनकी जो मौत हुई है वो शराब पीने से नहीं हुई है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे लाइव सिटीज के साथ। जो भी व्यक्ति अगर गैर तरीके से शराब खरीद कर सेवन किया है तो वो यथाशीघ्र अस्पताल में जाकर अपना स्वयं इलाज कराने की